चल रही थी आपका, यहाँ पे भी आपका कोचिंग पहुँचा है, लेकिन फिर एक बार आईपीसी की धारा 43 के टिप्पणी में भी बन सकता है बिहार में उस सब ऐसे पड़ रहा है नए मॉडल में, जैसे अवैध हो गया, सत्य हो गई, सद्भावपूर्वक हो गया, कपटपूर्ण हो गया, बेईमानी, और ये जो दे रहा है कि इस पर टिप्पणी लिखे तो कम से कम इतना जानते रहिए कि एक पेज कम से कम लिखा जा सके। तो अवैध या इलीगल शब्द को आईपीसी की धारा 43 में स्पष्ट किया गया है, और अवैध का मतलब क्या बताया गया है वो तीन बातों को वही समझाना था, छोड़ा गया था। पहला अवैध का मतलब ये हुआ कि जो ऑफेंस हो यानी कि जो अपराध हो। दूसरा अवैध का मतलब ये हुआ कि जो लॉ द्वारा प्रोविडेड हो यानी कि जो कानून द्वारा या विधि द्वारा क्या हो, प्रोविडेड का मतलब प्रतिषिद्ध हो। प्रतिषिद्ध हो का मतलब ये हुआ किसी कानून ने इस कार्य को करने पर रोक लगा दी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है अवैध का मतलब ये हुआ कि जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करे यानी कि जो सिविल कार्यवाही का बेस उत्पन्न करे यानी कि आधार उत्पन्न करे। इन्हीं तीनों को अच्छे से समझना है। देखिए जो अवैध शब्द हैं ये काफ़ी व्यापक वे में आईपीसी में रखा गया है। जब आप इन अगर एम्स में आ जाए और इन शब्दों की व्याख्या करनी हो तो तीनों शब्दों को अच्छे से लिखेंगे और तीनों पर कुछ उदाहरण भी देंगे। देखिए कैसे आपका पढ़ा जाता है। तो जितने भी अपराध हैं उसे आईपीसी इलीगल या अवैध मानती है। अपराध शब्द की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2 में दी गई है, जबकि अपराध शब्द को आईपीसी की धारा 40 में स्पष्ट किया गया। लिखना पड़ेगा सीआरपीसी की कौन सी धारा 2 और आईपीसी की कौन सी धारा 4। अपराध का मतलब क्या हुआ, तो अपराध का मतलब हुआ जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो विशेष विध के तहत अपराध हो, जो स्थानीय विध के तहत अपराध हो, ये सभी अपराध माने जाएंगे। और कोई भी व्यक्ति इन अपराधों को करता है तो ये कानून मानेगा कि उसने इलीगल या अवैध कार्य या लोप किया, यानी कि क्या किया। अब ये व्याख्या करिएगा आईपीसी की धारा 40 और सीआरपीसी की कौन सी धारा को जोड़ते हुए 2N। अगला देखिए भाई, भी कार्य भी अवैध माने जाएंगे जो कानून द्वारा लॉ द्वारा प्रोविडेड हो, अर्थात इन कार्यों को करने से कानून ने रोक लगा दी है। अगर कोई व्यक्ति उन कार्यों को करता है भले वे अपराध न हो उन्हें भी आईपीसी अवैध मानती है। अर्थात अवैध शब्द केवल सिविल मामलों तक, केवल आपराधिक मामलों तक सीमित नहीं है, इसमें सिविल मामले भी समाहित है। परिभाषा सीमित नहीं है, बहुत क्या है व्यापक। तो दो तीन उदाहरण आपको लिखना ही होगा कि आखिर कौन से ऐसे कार्य हैं जिस पर कि आज कानून द्वारा रोक लगाई गई है। तो दो उदाहरण दीजिएगा इस पर, एक संविदा अधिनियम की धारा 23 का दे दीजिएगा और एक द्वितीय की धारा 6। संविदा अधिनियम की धारा 23 आपका कुछ कार्यों पर रोक लगाती है और धारा 23 में यह बताया गया है कि इस कार्य का उद्देश्य और प्रतिफल विरुद्ध होगा और उस उद्देश्य और प्रतिफल के लिए करार नहीं किया जा सकता
अर्थात संविधान और नियम की धारा 23 कुछ कार्यों के लिए करार करने पर रोक लगाती है और उन्हें अनलाभपूर्ण घोषित करती है कि कानून द्वारा ऐसे उद्देश्य और प्रतिफल यानी कि ऐसे पर और कंसिडरेशन पर क्या लगा दिया गया है रोक, अतः वह भी अवैध माना जाए। दूसरा उदाहरण पीपीए की धारा से देखा जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 में उन संपत्तियों का उल्लेख किया गया है जिनका ट्रांसफर नहीं हो सकता यानी कि जिनको न तो बेचा जा सकता है, न दान दिया जा सकता है, न पट्टा दिया जा सकता है, न बंधक दिया जा सकता है इत्यादि। ऐसी दशा में आपका जो नियम है वह ये है कि अगर कोई व्यक्ति धारा 6 का वायलेशन करके किसी संपत्ति का ट्रांसफर करता है तो वह ट्रांसफर आईपीसी की धारा 243 के तहत इलीगल या अवैध माना जाएगा नहीं। तो इसको लिखते समय दो उदाहरण दीजिएगा, आप संविधान नियम की कौन सी धारा 23 का और पीपीए की कौन सी धारा का आपका 6 उदाहरण भी मैं बता रहा था। तीसरा अति महत्वपूर्ण है जो शुद्ध रूप से सिविल मामले को कवर करता है और देखिए इसको अच्छे से। ऐसा कार्य जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करता है, ये सभी कार्य जिनके आधार पर कोई व्यक्ति सिविल वाद या दीवानी वाद ला सकता है, ये सभी आधार अवैध माने जाएं। जैसे कि दो तीन उदाहरण इसमें भी सेट करिए। एक आपका सेट किया जाए भरण पोषण का कि कोई पति है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देता, भरण पोषण नहीं देता, तो पत्नी सिविल सूट लाकर अगर हिंदू है तो हिंदू बिल के तहत, मुस्लिम है तो मुस्लिम बिल के तहत कानून मुकदमा लाकर और अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो ये कार्य भी यानी कि जिस कार्य के आधार पर आप सिविल वाद ला सकते हैं यानी कि पति द्वारा भरण पोषण देने से इनकार करना भी आईपीसी क्या मानती है अवैध, क्योंकि ये कार्य सिविल कार्यवाही का क्या उत्पन्न करता है आधार यानी कि पति इस कारण से इस आधार पर पति के का क्या कर सकती है मुकदमा। संविधान भाग में एक देखिए उदाहरण, एक तो आपका मेंटेनेंस हो गया, दो ही उदाहरण पर्याप्त है। संविधान भाग में उदाहरण देखिएगा, मान लीजिए ए ने बी से संविदा की और संविदा ए ने भंग कर दी, तो आपको पूरी तरह ये सारे और पुराने लोगों को संविदा नियम पढ़ाया गया है। जब ए ने अपने वचन के पालन से इनकार कर दिया तो बी को हक है कि वह संविदा भंग के लिए मुकदमा लाए और 4 में से कोई एक या एक से अधिक या चारों उपचार मांग ले। तो इशारे में बताया गया था पहला उपचार कौन है संविदा का विशिष्ट पालन, दूसरा प्रतिकर, तीसरा व्यादेश और चौथा क्वांटम मेरियट यानी कि जितना काम उतना दाम। क्योंकि एचयूएलएलए में पूछा गया कि संविदा भंग पर मुख्य उपचार क्या है, तो मुख्य उपचार इसके 3 प्रकार में साफ़ कहते हैं संविदा का विनिशिंग अंतर। इतना पढ़ाने के बहुत लंबा चलाता है सारे, फिर भी बिहार और एमपी ने ऐसा उलझाव क्वेश्चन बना रखे हैं कि आपका जब तक कि कंसेप्ट क्लियर न हो कर पाना मुश्किल है। एमपी बिहार में भी उलझा है और एमपी भी, तो उसका उपाय मैं बता रहा हूँ। कई सतर्क होकर जो कंसेप्ट बताए गए हैं, इस धाराओं के जो बताए गए हैं उनको तो भाई अच्छे से तैयार रखिए,
तभी आप इन शब्दों की चर्चा आप कर देगा और लग रहा है कि सभी सही है लेकिन एक उसमें क्या होगा गलत। आगे देखिए भाई आपका तो दो उदाहरण आपको ऐसा बताया जाए। इसका मतलब ये है कि जिन कार्यों के लिए सीपीसी की धारा 9 के तहत सिविल वाद लाया जा सकता है वे सभी कार्य आईपीसी अवैध मानती। तो आप लोग अब आप लोग बताइए जो इलीगल शब्द की परिभाषा 43 में दी गई है वह क्रिमिनल में लागू होगी कि सिविल की? दोनों व्यापक है कि सीमित है? सीमित नहीं है बल्कि बहुत क्या है। अपनी का एक जो पाटल देखा जाए भाई जो आपका राजस्थान और आपका झारखंड अवैध पहला मॉडल ये बना है कि अवैध का मतलब क्या हो तो जो अपराध हो जो भी द्वारा प्रतिषिध हो जो सीमित कार्यवाही का आधार उत्पन्न करे और तीसरा उपयुक्त सभी को क्या मार कराएंगे उपयुक्त। लेकिन ज़्यादा लोग गलती कहाँ करते हैं कि देखते हैं कि अवैध का मतलब जो नहीं पढ़े जाते आपका अवैध का मतलब तो अपराध होता है ये सब कहाँ से सिविल मामला आ गया अपराध मार कर आ जाते हैं लेकिन ये गलती न हो। दूसरा नकारात्मक क्वेश्चन झारखंड ने बनाया कि अवैध में कौन शामिल नहीं है ये तीनों दिया था लेकिन एक दिया था अनैतिक तो क्या अनैतिक कार्य अवैध में शामिल है? नहीं। उसी में दे देगा सामाजिक उसी में दे देगा धार्मिक उसी में दे देगा राजनैतिक तो हो सकता है मॉडल चेंज कर दे तो ये सब आपका कार्य अवैध नहीं माना जाता सामाजिक कर्तव्यों का उल्लंघन अवैध नहीं है जैसे जाति भोज में बुलाया गया आप जाति भोज में नहीं गए तो कोई अपराध नहीं किए न ही कोई अवैध कार्य किए क्योंकि जाति भोज में जाना आपकी सोशल ड्यूटी की चाहे करिए या न करिए। इस प्रकार आपका 43 में अवैध शब्द बताया गया जो काफ़ी जगह पर आएगा और जब आप 120 ही पढ़ लीजिए क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी की परिभाषा ये शब्द फूल खेल में वहाँ काम करेगा। अगला ये धारा 44 है देखा धारा 44 भी में पूछा जाता है क्षति या इंजरी या नुकसान या नुकसान करें जो भी करें कई बार बताया जाए क्षति या इंजरी या नुकसान या हानि करिए या नुकसान करेगा सही दो प्रकार की होती है आपका नुकसान न लिखेगा नुकसान या हान या क्षति। क्षति दो प्रकार की होती है एक वैध तरीके से पहुँचाई जाती है एक अवैध तरीके से। तो कानून जिसको क्षति माना जाएगा जो सही ढंग से पहुँचाई गई है कानून उसे क्षति नहीं मानता और जो क्षति अवैध रूप से पहुंचाई गई है केवल उसी को क्या मानता है कानून क्षति। क्षति जो अवैध रूप से पहुंचाई जा सकती है यदि आपका पूछा गया है इसको किसको क्षति पहुंचाई जा सकती है तो चार चीज़ों को या तो शरीर को पहुंचाई जा सकती है या आपका संपत्ति को पहुंचाई जा सकती है या मन को पहुंचाई जा सकती है या ख्यात यानी कि प्रसिद्धि को। वैध शब्द भी देखना है कहां से कहां तक की गए आईपीसी में असर से लेकर 100 से अब इसी को आपका व्याख्या करना है। ठीक है एक बार बोर्ड पर भाई लिख दिया गया है और इन्हीं शब्दों की हमें क्या करना है सर पहला लाइन देखिए क्षति शब्द को किस धारा में स्पष्ट किया गया है परिभाषित किया गया है तो आपका क्या जवाब रहेगा 54। क्षति शब्द में कौन कौन सी क्षतियाँ शामिल हैं क्या अवैध रूप से पहुँचाई गई कि वैध रूप से अवैध रूप से
स्पष्ट रूप से जो सब पहुंचाई जाएगी उसे कानून सच नहीं माना जाएगा। जो बद सच का उल्लेख कहाँ किया गया है इसे अपराध नहीं माना गया है, ऑफेंस नहीं माना गया है, तो कहाँ से कहाँ तक कि असर से लेकर कहाँ तक 100 उदाहरण 76 से 106 के बीच में दिया जाए तो पूरा उदाहरण संभव नहीं। लिख जहाँ बता दिए कहाँ से कहाँ तक 76 से लेकर 106, लेकिन पूरा उदाहरण देना मुश्किल है, फिर भी मैं 1-2-3 उदाहरण जरूर दूंगा। देखिए आपका सबसे पहले उदाहरण आपका जल्लाद का देखा है, पूछा भी गया था बिहार के भाई जो पूछा गया वहीं अटैक किया जाए, तो उदाहरण देना तो जो बिहार में पूछा वहीं दे दिया जाए, क्योंकि कोई तो उदाहरण चयन नहीं करना है। तो आपका जब दो उदाहरणों में से एक उदाहरण का चयन करना है तो कानून यह कहता है कि ऐसा उदाहरण चयन करिए जो कंपटीशन में आ सकता हो या आ चुका हो, जैसे कि धारा 81 IPC। अगर दो बुराइयों में से एक बुराई का चयन नहीं करना है तो ऐसी बुराई सुनिए जिसमें कि नुकसान ज़्यादा हो कि कम हो, कम क्योंकि आवश्यकता बिल को नहीं मानती। आपका धारा 81 का सिद्धांत है, तो पहले जलराज का उदाहरण और फिर आपका 100 का और 103 तीन उदाहरण देखते हैं। यानी कि जो उदाहरण दिए जा रहे हैं इसमें जो छत नहीं मानता कानून, तो उसको हम एक आपका 78 से उदाहरण दे रहे हैं IPC, दूसरा 100 से और तीसरा 100 बिहार में 78 और 103 दोनों को चल APO में आएगी। देखिए भाई अगर कोई जल्लाद न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में किसी कैदी को फांसी पर लटका देता है तो जल्लाद ने छत्कारी की और शरीर को छत्कारी की कैदी की जान ले लिया है, लेकिन धारा 78 कहती है कि जल्लाद भले छत किया हो लेकिन धारा 78 कहती है कि यह क्षति वैध होगी और जल्लाद द्वारा कारित छत को सच नहीं माना जाएगा और उसके कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये क्षति वैध है कि अवैध, और इसे कानून अपराध क्योंकि पहला शब्द है कोई बात अपराध नहीं, देखिएगा क्या है कोई बात अपराध। दूसरा उदाहरण देखिए धारा 107 ऐसी कंडीशन बताती है जहाँ की कोई व्यक्ति स्वयं की प्रतिरक्षा और अन्यों के शरीर की प्रतिरक्षा में हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है, यानी कि सेल्फ डिफेंस में अगर दूसरे व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर देते हैं तो दूसरे को आपने क्षति को पहुँचाई लेकिन कानून वह क्षति नहीं मानी जाएगी। ये धारा 100 और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में हमलावर की मृत्यु कारित कर दीजिए, धारा 103 चार दशाओं में कानून उसे भी सच नहीं मानता भले ही आपने दूसरे का क्या कर दिया है। पद सत्य कहाँ से कहाँ तक फिर कवर करिए, जब सबसे 106 धारा 44 के तहत इसे नुकसान माना जाएगा कि नहीं कानून नहीं माना। इसके अलावा जो अन्य क्षतियाँ होती हैं वह अवैध कहलाएंगी, इलीगल कहलाएंगी, और क्षति किसको पहुँचाई जा सकती है, या तो शरीर को या किसको, संपत्ति को या किसको, मन को या किसको, चार और इन चारों पर उदाहरण देना है तय करके, इतना आसान नहीं है चारों पर क्या देना है। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख IPC के अध्याय 16 में धारा 299 से लेकर 377 तक में किया गया। शरीर के विरुद्ध अपराध
या मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों का उल्लेख आईपीसी के चैप्टर 16 में सेक्शन 299 से लेकर 377 तक में उल्लेख किया गया। ये जितने अपराध हैं ये किस पर प्रभाव डालते हैं शरीर पर, तो किसके अपराध हो गए शरीर, हत्या का प्रयास, आत्महत्या का प्रयास हो गया, उत्पीड़न हो गया, अपहरण किया, पता नहीं जाएगा। बस अभ्यास होगा और कहाँ से कहाँ तक 299 से लेकर कहाँ तक 377 से करा देखो। संपत्ति के विरुद्ध अपराध अध्याय 17 में दिए गए हैं और धारा 378 से लेकर 378 से लेकर 362 तक, और इसमें जितने अपराध हैं वो संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये भी नुकसान माना जाता है। तब कई उदाहरण एक दो बताया जाए, जैसे चोरी हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, आपराधिक दुर्घटना हो गया, आपराधिक नाश कम हो गया, इत्यादि। बस इतना पर्याप्त है, आगे बताना। मन को क्षति ऐसे इंटरव्यू में बना करें, मन को क्षति के कुछ उदाहरण बताए। देखिए आपका मन को भी क्षति पहुँचती है, वो मन को क्षति पहुँचती है, उसमें न तो संपत्ति को नुकसान होता है ना शरीर को, जो मन की भावनाएं होती हैं, मन की भावनाएं आहत होती हैं और मन को क्षति पहुंचाने वाले अपराध कौन कौन से हैं ये इंटरव्यू में बना है, इसको अलग से लिख लेना चाहिए। इंटरव्यू बना भाई, मन को क्षति पहुंचाने वाले जो अपराध हैं वह एक तो अश्लीलता है। अश्लीलता जो अश्लीलता है ये किस पर प्रभाव डालती है मन। इसके बाद आपका जो दूसरा है जो धर्म के विरुद्ध अपराध है ये भी व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालते हैं। इसके बाद जो विवाह संबंधी अपराध है ये भी व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालते हैं। और जो धमकी दिया जाता है यानी कि आपराधिक अभिप्राय यानी कि सेक्शन 503 आपराधिक अभिप्राय या जो धमकी दिया जाता है वह भी व्यक्ति के किस पर प्रभाव डालता है मन। एक बार देखिए चार अपराध जरूर बताइए, अश्लीलता, दूसरा कौन है, एक उदाहरण है। अरे नहीं भैया उसका उदाहरण संभव नहीं, हर एक पर उदाहरण दिया जाए लेकिन सटीक एक दो उदाहरण जरूर दिया जाए। फिर एक बार देखिए अश्लीलता, धर्म संबंधी अपराध, आपका विवाह संबंधी अपराध और आपका आपराधिक अभिप्राय यानी कि धमकियों की देना चाहिए 503 इत्यादि, ये व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालते हैं, व्यक्ति के मन की भावनाओं को क्या करते हैं आप। ऐसी दशा में ये भी क्षति माना जाएगा, ये क्षति दिखाई नहीं देती, ये आपका केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के मन पर क्या पड़ा होगा। एक उदाहरण देखिए, तत्पर उदाहरण देखिए, आपका करेंट को उदाहरण लिया जाए, जैसे कि आपका किसी मंदिर में गाय का मांस फेंक दीजिए तो कोई क्षत संपत्ति या शरीर की नहीं हुई, लेकिन हिंदू धर्म की जो मान्यताएँ हैं, धार्मिक भावनाएँ हैं, उसको आहत किया है। पवित्र ग्रंथ जला दीजिए, मस्जिद है तो सुअर का मांस फेंक दीजिए, वाहत हुई भावनाएँ ये मन को चोट पहुँचाती है। सबसे खतरनाक के समय चल रहा है लगता है, और जो मन को चोट है या धार्मिक भावनाएँ सबसे खतरनाक भावनाएँ हैं। लेकिन ये नियम भी है कि आप अपने धर्म का पालन करिए, लेकिन ऐसा कुछ कार्य न करिए जिससे कि दूसरे धर्म की भावनाएँ आहत हों। इसके लिए आईपीसी दंड का प्रावधान करती है और कई देशों में किस निंदा के लिए, भगवान की निंदा के लिए, अस्तित्व से इनकार करने के लिए फांसी की सजा। आपका पड़ोसी पाकिस्तान में दंड है,
अगर आप अल्लाह की, पैगंबर की और अली की बुराई कर दीजिए तो देखिए फांसी की सजा अधिकतम दी जा सकती है। भारत में कम कम दंड है, आपका 295 से शुरू है 298 तक कम कम दंड है, 2 साल, 1 साल, 3 साल। लेकिन एक उदाहरण हम आपका फ्रांस और आर्जेनिया का बताते हैं कि एक पत्रिका ने आपका पैगंबर मोहम्मद साहब का चित्र छापा, यानी कार्टून बना, और मुस्लिम समुदाय में आपका कार्टून या चित्र बनाना मना है, दृश्य पूजा होती है चित्र की। अब ऐसी दशा में क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई, तो आपने भी देखा होगा पूरे विश्व में चर्चा रही व्यक्ति जाकर और ऐसे लोगों को गोली से उड़ा दिए, मीटिंग हो रही थी पत्रिका की, किसी ने 5-6 लोगों को जाकर मार दिए, भले बात में हो मारे गए, लेकिन इसका मतलब ये कि आप अपने धर्म का पालन करिए, लेकिन ऐसा कुछ न करिए कि दूसरे के धर्म की धार्मिक भावनाएं क्या हो। अभी एक कंपनी ने आपका मैंने आपका कह सकते हैं कि चप्पल बनाया और चप्पल में नीचे आपका देवी देवताओं का चित्र बना दिया, भारत सरकार ने आपत्ति की, तो अपने कंपनी ने माफी मांगी और वो चप्पल वापस मंगाई। अभी आपका मैंने जो साल पहले कांड हुआ विदेशी कंपनी, वैसी दशा में भाई ये कांड ज़्यादा हो रहा है, धर्म के आधार पर लोगों का ब्रेनवास किया जा रहा है और तमाम देश धर्म के आधार पर बने और आज भी तमाम देश धर्म के आधार पर चल रहे हैं, इसकी कोई शक नहीं। तो अलग बात है, पर इसके आगे हमारे बस की बात हो, आगे देखा जाएगा। मन को सत्य पहुँचती है और ये भी कानून क्या मानता है, सत्य। अब आइए ख्यात हो सकती, ख्यात माने सम्मान को नुकसान, सम्मान मतलब सील को नुकसान, सील न समझना है तो करेक्टर को नुकसान, करेक्टर न समझना है तो प्रसिद्धि को नुकसान, प्रसिद्धि न आए तो मान को नुकसान। आइए देखते भाई जी, आपका यहाँ भी दो लाइन समझना है, ख्यात भी एक संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, और इसको क्षति पहुँचाना भी क्षति माना। देखिए आपका उदाहरण हुआ, दो मिनट इसको अच्छा बताते हैं। देखिए कहावत कही जाती है कि अगर आपका संपत्ति चली गई तो फिर कमा लेंगे, यानी कि कोरोना काल में आपका कह सकते हैं कि सभी लोग परेशान थे, व्यवसायी से लेकर तमाम लोग, आपका धन नहीं मिल रहा था, पर हमने भी कई मैंने कुंटल आपका आटा भी बंटवाया, लोगों को पढ़ाया भी, आपका स्वैच्छिक रखा गया था फीस देना, ये भी 4-5 लाख रुपया लोग दे दिए, आपका पैसा मिला आपदा में, यानी कि जो समर्थमान थे 1,500, 2,000 कहीं कोई बाध्यता नहीं, लेकिन ये हुआ कि इच्छा हो तो रचना देने की दे सकता है, लोग भेजे थे काम इसमें हो सकते, और हमने भी पूरा बिहार का मेजर तो नहीं, जितना माइनर था सब माइनर हमने आडियो से पढ़ा दिए लॉकडाउन में, और पता ही नहीं लगा कि कब लॉकडाउन गिर गया, क्योंकि तो आदमी इसीलिए माइनर ज़्यादा तैयार हुआ है, क्योंकि तो जब माइनर आदमी पढ़ा रहा था तो दिन भर खा लेता, तो दिन ज़्यादातर आदमी पढ़ता था और एक छोटी छोटी बातें लोगों को बताता था, और बहुत दूर दूर के लोग पढ़ते हैं, यानी कि 15,000-20,000 व्यूअर जो है हमारे, 15,000 से 20,000 लोग ऑडियो सुने, और कोई व्यक्ति ये नहीं कहा कि आपने गलत पढ़ाया या आपने अच्छा नहीं पढ़ा। कई लोग स्वेच्छा से, इसीलिए ऑनलाइन में ज़्यादा एडमिशन हुआ, स्वेच्छा से लोग पढ़े, स्वेच्छा से आपका धन दिए, और आज भी ज़्यादा लोग स्वेच्छा से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभी जा रहे हैं कि ऑफलाइन में थोड़ा कम रहे, ऑनलाइन में जा रहे ज़्यादा रहे, तो बैठाए कहाँ से जाए, कहाँ बैठाए कम भी आ जाएंगे सभी लोग, तो फिर देखिए आपका काम पर गायब हो जाइए,
कहावत कही जाती है कि धन चला गया तो कुछ नहीं गया, माल नहीं गया, स्वाद चला गया तो आपका कुछ ही गया, दवा दारू से पी कर नहीं सब वापस लिए जा रहे जाकर कोई हमारे पर दिवाली को ठीक से ठीक करा रहे हैं, तरह दारू से ठीक करा रहे तो दारू शब्द को वापस लिया जाता है, दवा से ठीक हो जाएगा कुछ ही गया, लेकिन एक बार जब इज्जत चली जाती है, प्रतिष्ठा चली जाती है तो वह फिर वापस नहीं आती, अतः प्रतिष्ठा भी एक संपत्ति है और इसके लिए कानून इज्जत या ख्यात की रक्षा करता है और ख्यात को नुकसान पहुंचाना भी नुकसान कानून मानता है। इसके लिए आप सिविल मुकदमा करके जो नुकसान पहुंचाए हैं मुआवजा ले सकते हैं या आपराधिक मुकदमा करके उसे सजा दिलवा सकते हैं। IPC की धारा 499 से लेकर 502 में यही छात्र को क्या पहुंचाया जाता है नुकसान और किस अपराध को क्या कहा जाता है इन्फॉर्मेशन या मान हान कहा जाता है भाई छात्र को जो नुकसान पहुंचाया जाता है। मान मतलब कि सम्मान और हान मतलब नुकसान, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आपका अपमान लेख द्वारा या अपमान वचन द्वारा प्रतिष्ठा को आज पहुँचाए तो उसके मान या प्रतिष्ठा को क्या पहुँचाता है हान। मान मतलब सम्मान और हान मतलब नुकसान, तो मान हान में किसको नुकसान पहुँचता है मान को, प्रतिष्ठा को, तो उसे हम क्या करते हैं कौन सा अपराध मानना। और इसके लिए IPC की धारा 499 से लेकर 502 तक में प्रावधान किया कि करेंट द्वारा मारा क्या लिया जाए हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता है। कभी कहेंगे कि भाई यूपी बिहार वाले बाहर जाए तो कभी कंगना को लेकर विवाद होता है, कभी सुशांत को लेकर तो कोरोना को लेकर भी विवाद है। सबसे ज़्यादा कोरोना काम कर रहा है महाराष्ट्र में और राजनीत में भी सबसे ज़्यादा विचार इस समय महाराष्ट्र में है। आपका अंबानी के घर के सामने एक पर सभी के लिए जिसमें कि कुछ किसी होटल की लेडी की खड़े रखे गए थे, कौन लगा कौन नहीं लगा आपको NIA जांच कर रही है। एक पुलिस अधिकारी पकड़ा गया है वाजे, और वाजे और परमवीर जो थे उनको हटा दिया गया पुलिस कमिश्नर से, मुंबई के सबसे बड़े अधिकारी थे। उन्होंने आरोप लगाया मुंबई जो गृह मंत्री थे वह महीने में 100 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, आपका इतना बार इतना ये है वसूली करके हमें भी दुआ इतना 2 महीनों में दुआ कर इससे क्या होता है। गलत बात है, गृह मंत्री ने कहा कि हम क्या करेंगे परमवीर सिंह पर मान ध्यान का दावा करेंगे, दावा करें ना करें गलत बात है, लेकिन अगर दूसरा आरोप है तो मान ध्यान और सत्य है तो मान ध्यान। वैसे भाई भ्रष्टाचार तो रहता है, नेता पुलिस गठबंधन रहता है और पूरा पैसा पुलिस बटोर कर, ये नियम है कि आपका अवैध पैसा पुलिस वसूल, कुछ रखी को दरोगा जी को दरोगा जी जा कर SP को दी, SP साहब दिया IG, DIG को DIG साहब IG को, IG साहब DGP को और DGP साहब जाकर किसको दिए आपका मंत्री को, मंत्री जाकर फंड में जमा कराए। ये क्रम तो हर एक जगह चलता है, बस ये कि वहाँ ओपन हो गया तो छोटा अपना कर सकते हैं अंदरूनी मामला, यानी कि कुछ लेन देन में विवाद हुआ होगा तो अपना ओपन करते हैं। और भाई आपका सरकार कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, ज़्यादा नहीं ट्रांसफर कर दे निलंबित कर दे और कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि जो प्राधिकारी राष्ट्र द्वारा अपॉइंट हुआ है राज्य सरकार सस्पेंड तो कर सकती है, लेकिन पर भत्ता वाले खुद कराएंगे क्योंकि उसको तो बैठे बैठाए क्या हो गया है, उसको आंदोलन करें भाई।
इस प्रकार आपका धारा 44 समाप्त हो गया। भाई छोटी छोटी अगली धारा है, देखिए भाई आपका ऊंचा कम जाता है लेकिन है छोटी छोटी धारा है आपका। भाई जो लोग फ्री देना चाहते हैं आगे अगर याद कर लेंगे तो अच्छा ही माना जाएगा, और नहीं भी याद करेंगे तो क्या किया जाएगा, लेकिन याद कर लेंगे। कुछ इधर 150 पढ़े 200 धारा है, प्रयास करिए कि भाई क्रम से याद रहे, और कुछ धाराओं का अंदर से भी याद रहे। देखिए भाई आपका 44 के बाद धारा 45 में चुम्बन परिभाषित है, लाइफ परिभाषित है। लाइफ का मतलब हुआ जब तक अन्यथा प्रतीत न हो, यानी कि किसी धारा में कोई बात विपरीत न की गई हो। लाइफ या जीवन का मतलब मानव का जीवन, बस पक्षियों का जीवन है। जीवन का मतलब क्या, मानव का जीवन। धारा 46 में डेथ या मृत परिभाषित है, मृत मतलब सामान्यतः किसकी मृत, जानवर बैल गाय भैंस की नहीं, मुर्गा मुर्गी किसकी, मानव। अगर मुर्गा मुर्गी की मृत कारित करते हैं, भैंस की कारित करते हैं, उसे मृत न मानकर आपका दृष्टि माना जाए, हत्या नहीं, उसको किस चीज कहा जाता है, दोष या रीति। अगला देखिए मैं धारा 47 जीव जंतु। जीव जंतु माने कि जो मानव से भिन्न जीवधारी है, तो मानव से भिन्न जितनी भी जीवधारी है चाहे छोटे हो या बड़े, सभी जीव जंतु में शामिल माने। अगली धारा देखिए 48 जलयान, यानी कि शिप की परिभाषा दी गई है। जलयान का मतलब जो पानी पर चलता हो, और जो या तो मानव को ले जाता हो या सामान को, यानी कि या तो उसे सामान यानी कि तेल और सामान ढोया जाए, या मानव जहाज से बैठकर या नाव से क्या करे जगह से दूसरी जगह जाए। एक लाइन की धारा 49 में वर्ष मास किए गए हैं। वर्ष मास की गणना किसके आधार पर, किस कैलेंडर के आधार पर, तो वर्ष मास की गणना आपका सब संवत हिजरी संवत विक्रम संवत के आधार पर आईपीसी में नहीं होगा। वर्ष मास की गणना किस आधार पर होगी, ब्रिटिश कैलेंडर, तो ब्रिटिश कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। कौन सा कैलेंडर, ग्रेगोरियन, जनवरी फरवरी मार्च, ये ब्रिटिश कैलेंडर है, जनवरी फरवरी मार्च मार्च चल रहा है, इसलिए बस कर दिया। अगला देखिए आपका 50 में धारा, इसको इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई, सेक्शन डी में तो कम चांस है, आपका भरवाने के लिए लोग पूछ सकते हैं। आपका दो एंगल से पढ़ना है तब धारा पढ़ेगा, एक आपका आर्टिकल पढ़ना और नीचे भाई बना लीजिए कॉलम से, और एक आपका पढ़ना है सेक्शन यानी कि धारा। तो पहला ये आया कि अनुच्छेद की परिभाषा कहाँ दी गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 367 के खंड 3 कहाँ दी गई, और धारा की परिभाषा आईपीसी की धारा किसको लिखने गया है, स्कॉलर से कहीं लिख लीजिए। अनुच्छेद या आर्टिकल को जो डिफाइन किया गया इंटरव्यू का क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद आपका 367 के लाज 5 में दिया गया, और अनैतिक आपका संविधान के अनुच्छेद 366 का लाज 3 में दिया गया, 367 का खंड 3। अनुच्छेद की परिभाषा में ये बता दिया गया है कि अनुच्छेद का मतलब हुआ कि इस संविधान का अनुच्छेद, पता ही नहीं जाए अनुच्छेद मतलब क्या, इस संविधान का अनुच्छेद, वैसे तो कुछ क्लियर हुआ नहीं। तो हम धारा पर आ जाए तब दोनों की तुलना करें। सेक्शन या धारा या दफा कहा जाता है, दफा की परिभाषा उर्दू में दफा कहा जाता है, या धारा या सेक्शन की परिभाषा धारा 50 में दी गई है आईपीसी की,
और धारा का मतलब कि जो प्रावधानों के आगे जो अंकों में इनकी क्रम संख्या लिखी गई है उसी को हम धारा कहेंगे। जो प्रावधान के आगे 1, 2, 3, 4 लिखा गया है उसी को हम क्या कहेंगे, सेक्शन। जो कानून बताता है धारा और अनुच्छेद जो दिए जाते हैं ताकि आपका मैंने अलग अलग प्रावधानों को किया जाए। अगर धारा अनुच्छेद नहीं रहता तो कल्पना करिए क्या होता, होता क्या कि पूरा किताब लिखी रहती और हम पैराग्राफ 1 पढ़ते, पैराग्राफ 2 पढ़ते और हम में जाकर IPC में पैराग्राफ नंबर 511 पढ़ते। तो इससे अच्छा है कि पैराग्राफ न देखकर क्या दे दिया जाए, कम कर दिया, पैराग्राफ न पढ़कर क्या पढ़िए धारा। अब अगला क्वेश्चन है ये जो मैं परिभाषा से अब ये पूछा जाता है कि आर्टिकल और सेक्शन में डिफरेंस क्या है। तो आप पहला सामान्यतः अनुच्छेद और सेक्शन में कोई अंतर नहीं, दोनों का उद्देश्य एक ही है कि जो प्रावधान दिए गए हैं उसको सीरियल वाइज दिया और कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जो अंतर दिखाएंगे यह माना जाता है कि अनुच्छेद सर्वोच्चता का प्रतीक है और धारा अधीनस्थता का। अनुच्छेद सूत्रमेसी यानी कि आपका सर्वोच्चता का प्रतीक है और धारा अधीनस्थता की, न जानते हो तो लिखिए भाई, जानते हो तब न लिखिए। धारा सर्वोच्चता का प्रतीक है और आपका ये नहीं, अनुच्छेद सर्वोच्चता का प्रतीक है और धारा किसका अधीनस्थ, पहला ये बताइए। आपको बताना सामान्यतः अनुच्छेद उन कानूनों में मैंने वर्ग होता है या अनुच्छेद होता है जो किसी देश के एपेक्स ला या सर्वोच्च कानून होते हैं। एक मैंने किसी देश के सर्वोच्च कानून में अनुच्छेद का प्रयोग होता है। किसी देश के सर्वोच्च कानून में अनुच्छेद का प्रयोग होता है जबकि अन्य कानूनों में धारा। बताइए हमारे देश का सर्वोच्च कानून कौन है, संविधान को क्या प्रयोग हुआ है अनुच्छेद। और हमारे IPCC एविडेंस ये हमारे देश के कैसे कानून है सबॉर्डिनेट, तो इसमें क्या प्रयोग हुआ था। एक और जो मैं बता रहा अनुच्छेद और धारा अगर आपका टकराव होता है यानी कि अनुच्छेद में कही गई बात और सेक्शन में कही गई बात में अगर टकराव होता है तो धारा पर अनुच्छेद प्रिवेल करेगा। और IPC में कई उदाहरण बताए गए हैं जैसे 497 IPC, 303 हो गई, 377 हो गया इत्यादि, यानी कि जहाँ की धारा और अनुच्छेद में क्या हो टकराव। बताइए अनुच्छेद प्रिवेल करेगा कि धारा, अनुच्छेद क्यों, क्योंकि ये क्या है। और जब जुरिसप्रूडेंस आप लोग पढ़ेंगे तो इसको जोड़ा जाता है नेशन के ग्रैंड नॉर्म से, मूल मानक है। ग्रैंड नॉर्म हमारा अनुच्छेद है और आपका अन्य मानक आपका धारा, यानी कि ग्रैंड नॉर्म सबसे बड़ा और अन्य क्या है सबसे छोटा। लेकिन दो तीन आपका अंतर बता सकते हैं, सर्वोच्चता अधीनस्थता और जो दूसरा मैं लिखूँगा ये सभी अंतर। परिभाषा से भी अंतर बताइएगा कि अनुच्छेद की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 367(21) में आपका डी में और धारा की परिभाषा धारा 50 IPC। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू का 51 दिया जाए
शपथ दिलवा दिया जाए। यदि शपथ का ठिकाना परिभाषित है धारा 51 तो शपथ होता क्या है? देखिए भाई, शपथ यानी कि कसम खाना। कसम खाना मतलब आपका कह सकते हैं कसम खाना कहा जाता है, शपथ लेना। देखिए शपथ क्या होती है भाई, शपथ आपका धर्म के अनुसार दिलवाई जाती है। जैसे हिंदू धर्म का व्यक्ति है तो गीता पर गीता की पुस्तक पर गीता गीता की पुस्तक गीता पर गीता किसी का नाम भी हो सकता है, गीता गीता पर नहीं। अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति है तो गीता जैसे पवित्र ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम दिलवाई जाती है गवाही देने से पहले कि जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा, अगर मैं झूठ बोलूँ तो कहाँ जाऊँ स्वर्ग में कि नरक और सत्य बोलूँ तो कहाँ जाऊँ स्वर्ग। सभी लोग ज़्यादातर झूठ ही बोलते हैं। गीता गीता के ग्रंथ का कोई मतलब कई दिनों में भी देखते हैं। अगर कोई मुस्लिम है तो बाइबिल नामक ग्रंथ पर हाथ रखवाया जाता है अगर कोई मुस्लिम है तो कुरान ग्रंथ पर हाथ रखवाया जाता है और कहता है कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मैं जहन्नुम में जाऊँगा और अगर मैं सत्य बोलूँगा तो जन्नत। और इसी का फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं और बॉर्डर पार कर हत्या कर रहे हैं कि जाओ अगर तुम शहीद हो गए तो यहाँ पाकिस्तान में तुम्हें शहीद का दर्जा हम देंगे और जब जब जन्नत में जाओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा भूल मिलेगी। भूल मतलब फूल मारे से क्या होगा, तो लोग कल्पना पर क्या कौन जाता है, यहाँ कल्पना में जिए कल्पना के ऊपर ना जिए। आगे देखिए अगर कोई ईसाई है तो बाइबिल पर यानी कि धर्म के अनुसार शपथ दिलवाई जाती है और धार्मिक प्रताड़ना हम पाएंगे ये करता है जबकि और कुछ नहीं। अगला देखिए धारा 52। धारा 52 का आपका क्वेश्चन बना है, कई बार बना है, मेंस में भी आ सकता है। गुड फेथ या बोना फाइड, इसमें आप देखिए गुड फेथ या बोना फाइड हिंदी में कहते हैं सद्भाव पूर्वक। इंग्लिश में भाई नाम याद रखिए, दो नाम है गुड फेथ, गुड फेथ या बोना फाइड, या इसको कहते हैं सद्भावना पूर्वक। यानी कि ये जो शब्द है तमाम धाराओं में आपको अटैच होगा, एक धारा में 50 धाराओं में मिलेगा सीआईपीसी के। लेकिन सद्भावना पूर्वक का मतलब क्या हुआ, ये आपका कवर कहाँ से होगा, वाईपीसी के धारा 52। और ये रेट एकदम देखते हैं उसके बाद समझा। कोई बात सद्भावनापूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई हो या विश्वास की गई। यानी कि कुछ खेत की परिभाषा नकारात्मक की गई है। ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है सतर्कता और सावधानी नहीं बरता है या कार्य को ध्यान न देकर किया है तो हम कहेंगे कि वह सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं। अब इसकी पॉजिटिव हम परिभाषा बना रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता और उचित सतर्कता और सावधानी बरतता है, यानी उस कार्य में जितनी सतर्कता और सावधानी बरती जानी चाहिए थी उतना बरत, या उस कार्य को करने में जितना ध्यान देना चाहिए था उतना दिया, तो हम कहेंगे कि वह गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक कार्य किया। और अगर नहीं ध्यान दिया या सतर्कता की कमी थी तो हम कहेंगे कि उसने उपेक्षा पूर्वक कार्य किया या
आपका उतावलेपन से कार्य किया। क्या कहा जाएगा इसको भी भाई उतावलेपन से या क्या उपेक्षा रही, या तो उतावलेपन से कार्य किया या कैसे किया उपेक्षा। सद्भावना का जो स्तर है समय दर समय, परिस्थिति दर परिस्थिति और कार्य दर कार्य बदलता रहता है। तो फिर देखिए आपका अगर कोई डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है तो वहाँ सतर्कता ज़्यादा बरतनी है क्योंकि ठीक गलती क्या होगी जीवन पर भाग। लेकिन अगर कोई डॉक्टर आपका मैंने थोड़े का ऑपरेशन कर रहा है तो सही बहुत ज़्यादा सतर्कता सावधानी नहीं सीधा लगाया दवा लगाया पट्टी मार कर क्या किया रोके हुए घर भेज दिया तो पूरा दवा दे दी। तो ऐसी दशा में एक लाइन हो गया सतर्कता। जैसे कि दूसरा उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति शहर की रोड पर वाहन चला रहा है तो सतर्कता और सावधानी ज़्यादा बरतनी क्योंकि हल्का सा भी अगर आप फेंक किए या उपेक्षा बढ़ते ध्यान नहीं दिए तो आगे वाले को ठोक देंगे अपार और तोड़ ही देंगे तो शहर में रख जाएंगे। लेकिन अगर कोई खाली रोड पर चला रहा है तो वहाँ सद्भावना और सतर्कता क्या बरतनी है थोड़ा कम क्योंकि आगे से आने की किसी की संभावना क्या है ये भी देखा जाता है। तीसरा कुल्हाड़ी का उदाहरण ऑपरेशन का देखा जाएगा। शुक्रु का विराज का उदाहरण मिलता है। शुक्रु का विराज ने एक व्यक्ति के बवासीर का ऑपरेशन किया और चाकू जो प्रयोग किया वह जंग लगा ऐसी दशा में उसने क्या किया सावधानी से कार्य किया नहीं इसलिए सिरिंज भी देखिए अब पुरानी सिरिंज नहीं पहले क्या होता था एक ही सिरिंज से क्या करिए बेकार बात है। अब सिरिंज हमेशा क्या की जा रही है उसका तोड़ कर फेंक दिया जाता है ताकि दूसरा कोई यूज न हो। इसका यानी कि पूरी सावधानी और क्या बरतना है सतर्कता। इसके बाद आपका जो लास्ट उदाहरण है उदाहरण तो हजारों है लेकिन अब ज्यादा उदाहरण पर क्या करेंगे। कुल्हाड़ी वाला एक उदाहरण दिया था जो पूछा जा रहा है अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर कुल्हाड़ी या एक से लकड़ी काट रहा है जहाँ कोई आस पास नहीं तो सतर्कता की मात्रा थोड़ा कम भी रहेगी तो काम चल जाएगा क्योंकि कुल्हाड़ी अगर हाथ से छूट गई या कुल्हाड़ी का लोहा निकल भी गया तो दूर दूर तक किसी को चोट लगने की कोई संभावना। लेकिन अगर आसपास बच्चे हैं व्यक्ति हैं बूढ़ा है जवान है तो आपका सम्यक सतर्कता और सावधानी क्या करनी चाहिए बरतनी चाहिए। यहाँ सावधानी का असर थोड़ा क्या होगा अयोधारा बाउंड ए देखा जाए हार्वर्ड या सत्र यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है यूपी एपीओ में भी बना था। हार्वर्ड या संश्रय देखिए भाई संश्रय न समझ जाए तो आप आश्रय लिखिए तो पहले जो जो क्वेश्चन बने हैं कंपटीशन में वही बताया जाएगा उसके बाद हार्वर्ड की परिमाण। संश्रय का मतलब आश्रय दें आश्रय मतलब सुख सुविधा प्रदान कर साधन उपलब्ध कराना व्यवस्था कर देखते इसका मतलब। पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जो धारा 52 ए में संश्रय शब्द है ये कब जोड़ा गया इलेवन में पूछा गया सन पूछा गया था तो 1942 में उसी पर मेरक कर लीजिए 1942 में यह शब्द जोड़ा गया ये पहला त्रिका हो। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनाए कि 52 के पहले संश्रय शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया था तो 216 बी में कैपिटल बी लिखेगा तो धारा 216 बी या 216 क कहेंगे तो क्या इंग्लिश में
भी नेशनल भी नहीं गिरफ्तार देखे। 1942 के पहले यह सब धारा 216 बी में परिभाषित था तो उसको यहाँ ला दिया। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन किसको संश्रय या आश्रय देगा, जो ईपीएफओ का ही मॉडल है वह दंडित नहीं होगा। तो अगर पति पत्नी को देती है या पत्नी पति को देता है संश्रय तो ये दंड के भागे इसके लिए नहीं होंगे। एक कारण इस पर देखें, पति अपराध करके आया और पत्नी ने यह जानते हुए किया अपराध किया है अपने अपने घर में निवास कराया, उसको भोजन दिया, पानी दिया, मोबाइल दिया अपना बात करने के लिए और खटखटिया दे दी कि जाओ यहाँ से भाग जाओ, तो ये संश्रय माना जाएगा और पत्नी इसके लिए दोषी नहीं होगी। पत्नी दोषी नहीं होगी, अब यही शादी दे देती हफ्ते साढ़ू भाई एक नंबर वाले देते तब बचाओ क्या शादी देखना होगा पीछे वाले मायूस न हो भाई कहेगा तो कारण दो चार और दे दिया मायूस न हो जाए। थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट पढ़ाया गया है, सिलेबस भी आगे बढ़ाना है। अभी एक बार जब थोड़ा समझ में आ जाता है हम काम क्या करते हैं कि हल्का सा गाड़ी किसकी किया जाता है उसके बाद भी ना है तो आपको छूट है भाई, एक बार आप इशारा करिए बता दें। लेकिन स्पीड थोड़ा क्या किया जाए तो यह किसकी या किसी की पढ़ाई है। अगला देखिए भाई, अगर पति पत्नी मान लीजिए कि डकैत है, डकैती करके आई, पति आवाज दिया, मोबाइल दिया, भोजन दिया, पानी दिया, व्यवस्था किया, वाहन उपलब्ध कराया, मैंने सारी सुविधा दे दिया व्यवस्था, उसी को आग्रह करते हैं, उसी को आग्रह करते हैं, तो ऐसी दशा में पति धन का भागी नहीं होगा। यही बात पूछी जाती है, गलत न हो। पति पत्नी एक दूसरे को आग्रह देने के लिए दंडित नहीं है, ये जरूर याद करके जाए। अगला ये जो राजस्थान का मॉडल है, संश्रय दंडित है, अपराध करने के पहले देना, अपराध करने के बाद देना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अगर डकैतों और लुटेरों को अपराध करने के पहले भी संश्रय देते हैं तो आप दंड के भागी होंगे और अपराध करने के बाद तो सदैव दंड होंगे। एक उदाहरण देखिए, 7 लोग कहीं से आए एक होटल में, अगर होटल वाला ये जानता कि रात में जाएंगे और शहर में डकैती करेंगे, यदि अपना होटल किराए पर देता है तो वह संश्रय के लिए दंड का भागी होगा। अब आप कहिए अपराध के पहले दिया था करने के बाद में पहले पहला दंडित कंडनी है कि नहीं असंश्रय है, और अपराध करके डकैत आए, अपराध हो गए कि सोचे किसी होटल में रुक जाए और जाकर कमरा ले लिए, तो होटल वाला तब ही दंडनीय होगा जब ये जानता है कि ये क्या है डकैत। अगर नहीं जानता तो वह दंड का भागी। एक लाइन और है, अधिक ही अपराधी अपराध करके भागते हैं, कहीं ना कहीं टिकते हैं, तो बस लोग ये कह देते हैं कि हम तो जानते ही नहीं थे अपराध करके आया है। अगर जानते होते तो हम निश्चित रूप से इसको हार्बर नहीं देते, आश्रय नहीं देते, बच जाते हैं, दंड कम पाते हैं। क्यों? वो टीका देते हैं कि मैं जानता ही नहीं था। और जब भाई ऐसे ही कोई आया, होटल में तमाम लोग आ रहे हैं, अगर मैं जानता रहता कि डकैती करने आए तो मैं क्यों भी, होटल वाले भी ज़्यादा बच जाते हैं। अब ये बताइए कि साँच गांठ या कुछ मिले तब तो साँच का क्या रहता है, साँच कमजोर रहता है। तो संश्रय का मतलब ये हुआ आश्रय का 13 लाख में पढ़ दिया जाता है, तो लोग कहते हैं कि आपका वैसे पूरा बता ही दिया था, लेकिन फिर भी एक बार दोनों क्या किया जाए, अब तो गलत है मेरा आश्रय। देखिए आगे भाई, धारा 157 में के सिवाय तथा धारा 130 में वहाँ तक के सिवाय जहाँ संश्रय आपका
कर सकते हैं कि संस्कृत आपका संस्कृत व्यक्ति की पत्नि या पति द्वारा दिया गया उसे पहले बता दिया कि पति पत्नी एक दूसरे को आश्रय के लिए दंडित दिया गया हो। संस्कृत शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय देना मतलब कि आपका घर में रखना, भोजन देना, भोजन मैंने खिलाइए, पिए देना यानी कि आप पानी वानी दीजिए दूध, इसके बाद धन देना मैंने पैसा दे दीजिए, वस्त्र मैंने आप जानते हैं कपड़ा दे दीजिए, आयु दे दीजिए मैंने हथियार ही दे दीजिए, गोला बारूद दे दीजिए या प्रवाहन के साथ में बाइक दे दीजिए, फोर व्हीलर दे दीजिए, साइकिल दे दीजिए, स्कूटर दे दीजिए या रिक्शा दे ही रिक्शा दे दीजिए, नाव ये दे दीजिए कि आपका हो। हाँ तो आपका ये माना जा या किसी व्यक्ति को पकड़े जाने से बचने के लिए ये सब करता है। तो ये माना जाएगा कि वह क्या दिया है संत्र और वह दंड का क्या होगा, लेकिन कब जब वह जानता है कि ऐसा व्यक्ति क्या किया है, अपराध किया है या अपराध करने के लिए आश्रय मांगता है। इसी में लोग बच जाते हैं, तमाम अपराधी भागते हैं, दो साल बाद पकड़े जाते हैं तो बच जाते हैं। क्यों बता देते हैं कि हम तो जानते हैं कि क्या अपराध करके आया है, ये तो मेरा रिश्तेदार था, एक बार भी अगर मुझसे कहता मैं घर से लाभ मार कर इसे क्या जबकि सब लोग जानते रहते हैं कल कई क्लास चलेगा, दोनों आपका कल क्लास चलेगा, कल आपका भी आप किसी भी चलेगा या किसी पर चलाइए भाई पर एक लेक्चर लगता है, यानी कि आपका दो या तीन लेक्चर भी इधर समाप्त करना है।